राम राम जी सारे। उम्मीद करू सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। और सुबह सुबह की स्माइल आप लोगों के साथ करती हूँ मैं। वही सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह अपना नहा धो के और काम पे लग जाते हैं। तो आज मैंने ये सूट पहना है, मैं चुन्नी नहीं ओढ़ी, चुन्नी इसलिए क्योंकि सुबह सुबह ज्यादा काम हो जाए, फिर इस पर कोई स्टोल स्टोल मतलब खिलाया ही नहीं, फिर मैंने सोचा चलो यही ओढ़ लेती हूँ मैं, तो यही ओढ़ लिया मैंने। ये सूट मैंने पहना है सुबह सुबह, तो वे अपनी रूटीन सी करने लग गया आज तक वो की है कुछ तो भी वो आज कल मैं ना बढ़िया सिनाई थी और आज सुबह सुबह तो यूं पानी डालना पड़ा है तो कुछ आज चमक सा रहा चेहरा, क्योंकि कई दिन बड़े दिन हो गए फेस ही अच्छी तरह से ना आए हुए, तो कल मैंने तो आज बढ़िया बढ़िया फेस लगाया है मेरा। मैंने अपने आप को तो मैंने देखो भैया सब रसोई में आ गई हूँ मैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। और मैं बनाती हूँ आज पालक की सब्जी। पालक की सब्जी मैंने कल शाम को उबाल ली थी, रात को उबाल ली थी, फिर मैं सुबह निचोड़नी निचोड़नी है तो सुबह निचोड़ के बनाऊंगी सब्जी को। और ये और आज संडे है, संडे की टूकी छुट्टी है, सुबह सुबह इतनी भगत उठ ले है, इतनी भगत उठ ले है भगवान, संडे वाला दिन तो छुट्टी है, उस दिन तो सो जाया करे, तो सुबह सुबह भगत उठ रहा है लट झगड़ के खो फोन खोज जाए मैं सुबह सुबह की राम देने राम राम देने दो। तो मैं दिखाती हूँ अभी रसोई में अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो भाई ये मैंने पालक उबाल रखी है थोड़ी सी आज सुबह लगा रखी, और ये इसमें सीत है, ये डोली में तो लस्सी है, मना किया था मम्मी, मना लस्सी लानता ही मैं दही जमा थी तो दूध गर्म कर देती हूँ और मैंने अपनी ये दही जमा रखी है, देखती हूँ मम्मी है कि तो थोड़ी सी देर फ्रिज में रख दूंगी, जम रही है सही, तो मैंने मम्मी से बोला था मखा रहने दिए, तो मैंने ये दही जमा रखी है और पालक की सब्जी हो जाओगी वो उसमें दूध गर्म कर रही हूँ, ये लस्सी है, लस्सी तो हमारे को लस्सी तो कोई नहीं पीता, मम्मी से बोला था मैंने मां लस्सी मन पिलाई, तो थोड़ी देर है ना मैं इसको दही को फ्रिज में रख देती हूँ, थोड़ी ठंडी ठंडी हो जाओगी। अरे मम्मी मैं सीत नाटी थी, मैं सीत ने नाटी थी तो अंधेरा है अभी, सुबह सुबह का ही टाइम है, लाइट जलाई है मैंने, तो ये इधर रख देती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। यस तो देखो भाई देखो गुदड़ा में तो उठा नहीं है सुबह सुबह, फोन की दूसरा फोन ले ले, ये जिस दिन की छुट्टी हो गया है उस दिन तो है ना मेरे को वीडियो भी नहीं बनाने देता, देख ले फिर क्या हो गया, जितनी घनी हो जाए उतनी बढ़िया है, खुदा ने कहा एक आदमी बीमार हो जाए ना बनाने पावे तो फट दे पड़ जावे, तो मम्मी तो ये देखो कैसे गुदड़ा बन रहा हूँ लकोलिया, और ये मम्मी जी हैं और ये हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, अभी उठाऊंगी इनको, तो भी लड्डू गोपाल जी भी सो रहे हैं और किटू चलो फिर मैं अपना रसोई का काम समेटती हूँ क्योंकि फिल्म डाउनलोड कर रहा है वो देख रहा है, उसके बाद फिर मैं मिलूंगी आपसे, फिर मैं अपना काम करूंगी, फिर मैं बताऊंगी आपको। तो चलो ये बार बोल रहे तो कैसे कर रहा, तो दूसरी उसमें छोटे फोन में देख लेना फिर, चलो फिर किटू उठ लिया और बेटा उठ रहा है, किटू तो घनी वक्त का उठ रहा है, तू भी वक्त उठाया, अरे तू भी वक्त उठाया, कब जाया फिर तेरा पापा, मेरे पापा रहे तेने 10-11 बजे आया, बढ़िया आया फिर भाई, सारी दुकान बंद हो ली थी 11 बजे, सही बात भाई सारी दुकान बंद हो ली थी, अच्छा कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया दुकान भी बंद हुई, एक का फोन है किधर है, हाँ एक मेरे नाना ने दे दिया, दो थे, अच्छा नाना कैसे दे दिया, मेरे नाना अरको पहला वाला खराब हो गया दूसरा ले आऊं थे नया, फिर मेरी मम्मी ने बोली वो लिया ही मारा वाला ले लिया, तो भी मैंने ना देखो पालक की तो सब्जी बनाई है, रोटी भी 5-7 बनानी रह गई, देखो कड़ी पालक बनाया मैंने और ये पहले बना दी थी कड़ी पालक, इस समय देखो दिखा दे सब्जी देखा सही रहा, कड़ी पालक बना दी दूर से दिख जाओगी, और भाई ये दूध गर्म मेरा होने लग रहा है, दूध गर्म मेरा होने लग रहा है, बस थोड़ी कसर रह रही है उगाड़ दू इसने, क्योंकि ये रोटी बना करू जब रखा करू मैं दूध, क्योंकि कितनी है भी मतलब बाद में ना कितनी भी संभाल कर ले दूध की लकड़े में आटा एक होने तो साथ के साथ रोटी पोए जा करू फिर ये संभाले भी जावा दूध ना तो भूल जावा दूध ना धड़कन, अरे क्योंकि चाय बना रही थी चाय बस मखाले चल भी इतना चाय चूहे बड़े इतना फोन देख लू खड़ी खड़ी रसोई में इतने मैं चाय लेकर गई एकदम तूफान आ जावा है, तो ये रोटी रोटी बना लू फिर मैं और क्या कह रही थी, बच्चे भी उठ गए हैं आज संडे है, संडे की छुट्टी आज इनकी आज ये है काम कुम तो करनी नहीं आज, ये लोग भी बहुत कम बनाने देगा वो छोटी छोटी किलम लेने देगा यो ये तो ये उठ कर चलेगा मेरे ख्याल में बाहर, तो आज मैंने कड़ी पालक बनाई खाने में और रोटी बनाने लग रही हूँ, दादी मम्मी रोटी देने जा रही है गाय की, मगर इतना गाय की रोटी दिया इतना फिर हो जाऊंगी रोटी फिर मैं आने के बाद रोटी दे दूंगी तेरे को, तो वही और क्या कह रही थी मैं और मैं बाद में बताऊंगी इसकी
हमारे आज क्या 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 हुआ बिजली वालों का, सुबह सुबह आ गए 6 बजे ही, वो मैं अलग से वो लोग बनाऊंगी और मेरे को पता ही नहीं चला। अगर मेरे को पता चल जाता तो मैं क्यों वीडियो जरूर बनाती तो भी मेरा दूध भी बस होने वाला है, क्योंकि बनाते हुए नहीं दिखाई मैंने सब्जी, है ना। कुछ सब्जी सी हो जाए है जिसमें जीरा का छौंक नहीं लगता, प्याज का छौंक लगा है, क्योंकि कड़वी कड़वी जिस तरह पाले की सब्जी है, पाले की सब्जी में जीरा का छौंक नहीं लगा करूं मैं, खाली प्याज प्याज का छौंक 2-3 प्याज डाल दिया करूं हूं। और देखो मेरा दूध उबल के हो गया है रेडी, इसको बंद कर देती हूँ। फाण से अच्छे से आ गया, वो फाण दिखा रही, ये दिखाइए ये फाण आ गया हल्ले एकदम से, एकदम से चले जाओ इसको दूर हो जाए, इसको बंद कर दे मैं, ले हो गया दूध तो मेरा गर्म। ये मैं इसको जाली वाला जाली ढक्कन है और अंदर रख दूंगी, इतना ठंडा हो जाएगा, थोड़ा बहुत ठंडा होने के बाद फिर फ्रिज में रख दूंगी। फ्रिज में रखने के बाद फिर मलाई सही आ जावा सारी, और शाम में फिर मलाई तार दें, कह दे भाई मलाई तारे पास के रह जाए दूध में, भाई अपना काम चलाना है, बहुत घी भी हो जावा है, देख जिस तरह घी भी हो जा हमारा, घी खा भी ला हम, रोटी भी चुपड़ जावा है और दूध भी पिया जावा है। तो अब बेटा इसने चार लाने का भी रहा तेरे की तू बाहर जा लिया खाना खुना तो बना लिया सारा, सफाई सफुई ही करनी रहेगी, और पता है खाना बनते ही बस भूख लग जा है, मुंह का टेस्ट भी अजीब सा हो रहा है, बीमार होने के कारण है ना, मुंह का टेस्ट भी पता नहीं कैसा, एक तो जल्दी जल्दी हो जाए कुछ खा ले मुंह में, कुछ खा ले मुंह में, थोड़ी देर में वैसे जीभ का टेस्ट बिल्कुल ही अलग सा हो रहा है, कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता, फिर भी यार भूख लग रही है बहुत तेज। तो भी मैं मम्मी को एक बार रोटी देने के बाद फिर एक बार खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद फिर मैं अपना साफ सफाई कर लूंगी, और अभी मैं करती हूँ अभी काम अपना रेडी। बेटा भी सेट कर लेती हूँ यहाँ पर एक बार, सारे सुबह सुबह सारे डिब्बे घर बघर हो जाए, क्योंकि उस टाइम तो तका जो है ना फटाफट यूँ रख दिया जाऊंगा ठाकन है, फिर स्थान तो अलग अलग है, तो एक बार भूज कर ना एक बार ही डिब्बे ना सारे सेट कर दूंगी, क्योंकि जो भुले खा ले हैं सारे बंद कर दूंगी, और 4 के डिब्बे तो अभी थोड़े रह रहे हमारे चार, क्योंकि चिकने चिकने डिब्बे ही साइड रखा करूँ मैं, एक अलग से बिछा रखा हूँ पे, तो ये भूज कर दिया मैंने यार ढक दिया अच्छी तरह से, पूरियां लगा देती हूँ कपड़ा आज, और भाई नमक का डिब्बा रह गया, नमक का डिब्बा रख दो, और लस्सी कोई ना पीता, मम्मी लस्सी तो नहीं लिया है, और फ्रिज में जगह भी नहीं है, छोटा बर्तन रख जाएगा, छोटा बर्तन निकाल कर ना और जब करूंगी तो भी ये मैं सुंगवा देती हूँ, एक बार झाड़ू लगा दूंगी आड़ को, क्योंकि बर्तन बर्तन सही बर्तन उठ लिया ना जब एक बार, तो और कई दिन तो बीमार हो रही थी मैं, मोटा मोटा हुआ करा करती काम, तो इस सफाई सीधा ना करा, फिर एक दिन बच्चे बच्चे आ जाओगे जब सारे बर्तन बर्तन साफ करूंगी सो के, और देखो मैं माड़ी तो हो रही हूँ बनी, ये सूट भी जमा टाइट था मेरा, ये सूट है कभी ढीला हो रहा है, और यहाँ से तो मैं ना सारा चेहरा मेरा गोरा और सारा शरीर मेरा गोरा है, सिर्फ यहाँ यहाँ से मैं थोड़ी ब्लैक सी हूँ, यहाँ से यहाँ की सही, तो मतलब कभी जापा मैं भी हुई है बोली, मैं आड़त तो बोली आड़त तो मैं इसी हूँ, और हाथ भी मेरे मुंह के लेवल है, और तो सारा शरीर गोरा है मेरा, और तो कहीं ना तो जो जमा कुछ कई बार कह रहा है तो पटन हो रहा था सूट, तो कहीं दादी आ चुकी है, एक बार इनकी इनका खाना दे दूँ आ गई तुम, तो एक बार मम्मी की रोटी लिया हूँ, एक बार दही है फ्रिज में रख रखी है, वो दही निकाल लूँगा, थोड़ी ठंडी हो जाएगी, ज़्यादा ठंडी तो ठीक ही नहीं रहेगी, तो मैंने फ्रिज में कहा रखी थी दही, किटू बाहर ही गया, तो दही निकाल दूंगी मम्मी का, और एक बार इन्हें रोटी दे दूँ, खाई नहीं है तो फिर ये ना कटोरा कटारा मंगा कर रख दूंगी मैं, कटोरा मंगा कर रख दूंगी दही ना एक्स्ट्रा की, तो खा लेगी अब सीधी गाल दी मैंने मम्मी का, और इसमें गाल दूँ सब्जी, घी की कटोरी थी तो साफ भी हो जाएगी, और इसमें सब्जी गाल देती हूँ, ज्यादा सब्जी निकाल रहा सब्जी तो खा रहा है, मम्मी को दे देती हूँ एक बार रोटी, और फिर मैंने खाई ये निकल, मैं थोड़ा काम कर लूँ उसके बाद खाऊंगी, उनके पापा भी आ जाएंगे कि तू भी आ जाओगा तो फिर साथ में खा लेंगे, फिर मैं इतना थोड़ी साइज साफ कर लूँ थोड़ा संभाल लूँ फिर उसके बाद खा लेंगे, और इनकी दादी मैंने कुर्सी छोड़ दे तू क्योंकि पैर में ज्यादा दर्द हो गया है, और फिर सीधे के बगैर इनकी दादी पर आ नहीं जाता, तो अभी चलो मैं रोटी दे देती हूँ एक बार मम्मी की, तो भी मम्मी की रोटी दे दूँ मैं एक बार, पता नहीं कैमरा में क्या हो गया धुंधला धुंधला पणसा,
क्योंकि साथ के साथ में बनानी पड़ा है तो चिकने चिकने हाथ लग जाए, कैमरे का लग गया मेरे ख्याल में तो शायद, तो साफ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ले पीछे वाला कैमरा तो बिल्कुल साफ है, तो मम्मी को मैंने दे दी रोटी। दही नमक भी लाऊं? दही में नमक लाऊं के? तो नमक से मना कर दिया मम्मी ने। तो मेरे रसोई रसाई साफ कर दू एक बार, पता नहीं क्या हो गया कैमरे का। और एक बार ये दही और निकाल दू, पूरी मदद निकाल दी, फ्रीज में रख दूंगी एक्स्ट्रा के दिन में खा लेंगे। और ये ज्यादा बदलिए दो, एक कटोरे मोर निकाल दू, दो कटोरे दसी और इसमें निकाल दूंगी अब सी, क्योंकि डोली डूब जाएगी, दही कैन से निकाल दूंगी क्योंकि फ्रिज में ना छोटे से छोटे बर्तन रखा करा हूँ, तो ये भूल जाओगी, ये फ्रिज में रख दूंगी सब्जी, इसमें रखूंगी क्योंकि फिर इनके पापा आवे, पहले तो गर्मी थी तो ठंडी भी चल जाएगी, तो ये तो गर्म करनी पड़ेगी, तो सब्जी तो इसे में रहने दूंगी मैं। झाड़ू शुरू दे दूँ मैं रसोई में, बर्तन बर्तन सारे निकाल लिए मैंने बाहर, रात को मैंने वैसे धो दी थी यार रसोई सारा, चिकना चकड़ा हो जाना सारा उतर जाए, रात में मैंने धो दी थी, बस ये आगे खुल गया था, यो लगा दी झाड़ू। बाल बूल लागी है तो मैं इसने रख दूं, क्योंकि अब तक फिर कपड़े धोवांगे तो इतना ना क्यों खुली रखी, तो मैं इसने बंद कर दूंगी। तो इसके साथ ही इसने ढक दूंगी इसका कवर, दो दा दो दी थी या तो इसका कवर ढक दूंगी इसका। क्योंकि बात कपड़े धो लेते हैं ना, एक हफ्ता में फिर धोऊंगी, इतना कट्ठे कर लिए कहीं जाना है, कितों कितों के धोने हैं वो आपके साथ काट दूंगी। तो मैंने ये ढक दी, इसका दूसरा कवर और लाऊंगी, दूसरा कवर के साथ और ढक दूं इसको, तो भी इसका कवर मैंने मिला नहीं, ऊपर देख के लाऊंगी, ऊपर सूखता हुआ शायद, तो दूसरा कवर और उसका फिर ढकूंगी। तो भी आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा, मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा करना, सुबह सुबह बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि साथ में व्लॉग बनाना साथ में काम करना तो बहुत टाइम लग जाता है, और फिर मैं सिलाई सिलाई का करना बहुत कम टाइम मिला है, तो आज का व्लॉग मैं यही पर दाइंड करती हूँ, बताना भी कैसे व्लॉग लगते हैं, और आराम।